डॉल्फिन सॉल्व क्लीनिंग मशीन इट कंटेन्स ब्रश टू ब्रश टू ग्रिल्स और 10 ग्राम्स टू पैड ड्राई क्लीनिंग पैड टू पैड्स एंड वन पावर केबल. नाउ कनेक्ट दिस केबल ऑन दिस वायर. अब ये जो पावर एडाप्टर है उसको हम डायरेक्टली 220 वोल्ट देके प्लग इन कर देना है 220 वोल्ट से. टू ट्वेंटी वोल्ट हमने दिया तो ये जो का प्लग है उसमें जो ऑरेंज कलर का बटन है उसको प्रेस करके जो रेड लाइट ब्लिंक होगी तो ये पावर हमने दे दिया है. ओके आप देख सकते हो सॉल क्लीनिंग मशीन. अब हमने पावर दे दिया. अब उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, ये जो सॉल क्लीनिंग मशीन है यहाँ पर हमने जो है ड्राई पैड दिया हुआ है. ओके इस ड्राई पैड को इस सॉल क्लीनिंग मशीन में इस डिपार्टमेंट में फिक्स कर देना है ऐसे अंदर डाल के. ओके ड्राई पैड हमने फिक्स कर दिया. यहाँ पर जो आप देखोगे तो ए वाला है वो सेंसर पार्ट्स है. ओके जब भी यहाँ पर हम पैर रखते हैं तो ये सेंसर पार्ट्स है वो डिटेक्ट करके सॉल क्लीनिंग मशीन स्टार्ट हो जाए. उसके बाद जो ए वाला है उसमें बेल्ट दिए हुए हैं. ओके इस बेल्ट को बेल्ट क्या करेगा, जो अपना शूज है उसका जो सॉल है उसको अगर उसमें मिट्टी वगैरह धूल वगैरह जो भी है उसको क्लीन करेगा. उसके बाद ये है ड्राई जोन. ये इसमें हैवी ड्यूटी फॉर्म आता है. ये फॉर्म क्या करेगा, शू में जो अपने शू के सोल में जो वाटर वगैरह जो भी रहा है केमिकल जो भी है उसको ये वाला जो फॉर्म है वो ले लेंगा और अपना शू है एकदम ड्राई हो जाएगा. ओके अब हम इसमें ट्राई करते हैं जैसे ही. ओके जैसे ही हमारे हम जो शूज को यहाँ पर सेंसर के पास लाएंगे तो ये जो सॉल क्लीनिंग मशीन है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा. दो या सेकेंड, एक दो सेकेंड के लिए हमें ऐसे करना है. तो एक या एक दो सेकेंड चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा. उसके बाद हमें ड्राई जोन में जाना है. ड्राई जोन में शूज रख के एक दो सेकेंड के लिए हम ऐसे करेंगे तो अपना शूज में जो वाटर वगैरह है धूल वगैरह वो सब एकदम परफेक्ट क्लीन कर देगा. अब इस सॉल क्लीनिंग मशीन में हमें साथ में ये ब्रश दिया हुआ है तो ये इस ब्रश का हम यूज़ है. वो जो ए वाला जो सॉल क्लीनिंग मशीन का मतलब ये जो ब्रश वगैरह जो दिए हुए ब्लैक कलर के उसमें अगर धूल वगैरह जम गया है तो उसको क्लीन करने के लिए यूज होता है. ओके आप उसको क्लीन कर सकते हो इजीली. ओके उसके बाद ऐसे क्लीन और मेंटेनेंस करना है. उसके बाद अब ये जो ड्राई जोन है ओके उसमें जो पैड दिया हुआ है अगर उस पैड में अगर ज़्यादा वाटर वगैरह जमा होता है तो उस वाटर इस यहाँ पर जो होल दिए हुए हैं उस होल के जरिए नीचे होल दिए हुए उस होल के जरिए नीचे ट्रे में जमा होता है. अगर शू हमारा शू का सोल है वो अगर वाटर में बिक गया है या वाटर ज़्यादा वाटर होता है तो ये वाटर इस सोल क्लीनिंग मशीन के नीचे ट्रे जो होता है उसी में जमाता है. तो अगर इसमें ड्राई पैड अगर हमारा उसमें दो ड्राई पैड दिया हुआ है हमने दो मतलब कोई एक ड्राई पैड अगर ज़्यादा गीला हो गया तो उसको मतलब मेला हो गया है तूर वगैरह वाला हो गया है तो उसको हम नॉर्मल वाटर से धो के सूखने के लिए रख देना है और दूसरा ड्राई पैड है उसको पेंडिंग और यूज कर सकते हो. ओके अब इस सॉल क्लीनिंग मशीन में जो नीचे ट्रे में वाटर वगैरह जमा होता है तो उसको कैसे हम निकालें वो हम आपको बताएं. यहाँ पर दोनों साइड यहाँ नीचे दोनों साइड एक स्विच दिया हुआ है लोखंड आयन के देखो और ये हाइड्रोलिक पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है और ये जो दोनों स्विच है
ये वाला और ये वाला, ये दोनों चीज़ को ऊपर की तरफ करके ऐसे ऊपर की तरफ करके जो उसका ऊपर का जो बॉडी है उसको हम ओपन कर सकते हैं। और ये हाइड्रोलिक सिस्टम दिया हुआ है तो इसकी वजह से क्या है कि ऑटोमेटिकली वो ऊपर ओपन हो जाएगा और नीचे भी नहीं गिरेगा। और ये वाला जो ट्रे है, इस ट्रे को, इसमें अगर पानी वगैरह जमा हुआ है, इस ट्रे को इजीली हम मूव कर सकते हैं। जैसे है कि ये देखो, एंड में टायर भी दिया हुआ है, व्हील दिया हुआ है, तो ट्रे को क्या है कि कोई एक बंदा भी होता है तो इजीली उसको मूव कर सकता है। और इस ट्रे में अगर जो जमा वाटर होता है वो यहाँ जो होल दिया हुआ है उस होल के जरिए ट्रे को आप ऊपर करोगे और यहाँ से पानी हमें निकाल देना है। ओके, पानी निकाल देने के बाद ट्रे को फिर से इजीली हम मूव करके जहाँ पर ट्रे थी वहाँ पर हम प्रेस करके बंद कर सकते हो। अब इस सॉल क्लीनिंग मशीन में जो ये सेंसर है उसका टाइमिंग, मतलब अभी जो हम यहाँ पर शू, मतलब कोई भी बंदा आता है तो वहाँ पर आगे जाता है तो 2 सेकेंड के लिए सॉल क्लीनिंग मशीन चलता है। अगर इसका टाइमिंग बढ़ाना है हमें, या मतलब 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है वाइट कलर का राउंड। ओके, वो राउंड स्विच है, उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाओगे तो क्या है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हम इस सेंसर का जो मतलब टाइमिंग है, ब्रश घूमने का जो टाइमिंग है, उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर ये सॉल क्लीनिंग मशीन अगर कंटिन्यूस चालू रह जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो टाइमिंग है, ये जो रेड कलर का यहाँ पर मतलब वाइट बटन होता है उसमें रेड लाइट हो रही है, तो ये जो बटन है उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हम इस टाइमिंग को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें। अगर ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो ये क्या है कि सॉल क्लीनिंग कंटिन्यूस चालू रहेगा। वो क्या है, अगर कोई जगह पर ज़्यादा भीड़ है और कंटिन्यूस चालू रखना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ओके, अब इसमें साथ में हमने ग्रीस का बोतल भी दिया हुआ है 10 ग्राम्स। आप नॉर्मल ग्रीस भी यूज़ कर सकते हो, पर इसमें साथ में दिया हुआ ग्रीस का यूज़ यहाँ पर ये जो बेल्ट है, क्रैंक सैंड बेल्ट है, इस बेल्ट में यूज़ करने के लिए दिया हुआ है। ओके, तो ये वाला ग्रीस को मतलब टाइम टू टाइम अगर यहाँ पर ग्रीस करते रहेंगे तो ये वेल मेंटेन रहेगा। ये फिर से हमें अगर क्लीनिंग वगैरह हो जाता है तो ऐसे उसको करके थोड़ा सा प्रेस करना है